हाय, टूडे वी आर गोइंग टू लर्न ट्री डेटा स्ट्रक्चर, व्हिच इज नॉन लीनियर स्ट्रक्चर। सो देर सम टर्मिनोलॉजी दैट इज यूज्ड इन ट्री डेटा स्ट्रक्चर दैट वी आर गोइंग टू सी सो नॉर्मली इन जनरल लाइफ ट्री का स्ट्रक्चर आपका कैसा होता है ये कुछ इस तरीके से होता है जिसको आप इस साइड को आप क्या कहते हैं रूट और जो सबसे लास्ट में होता है उसको आप कहते हैं लीफ जो डेटा स्ट्रक्चर में आप ट्री यूज करते हो उसका जस्ट अपोजिट होता है इसमें जो आप इसको जस्ट अपोजिट इस तरीके से आप बना सकते जो हो root, जो सबसे टॉप मोस्ट होगा दैट इज नोन एज रूट एंड जो सबसे नीचे होगा वो दैट इज नोन एज लीफ सो दिस इज ट्री डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट जिसमें ए एक नोड है और ए का नेक्स्ट जो है बी सी नोड है बी का नेक्स्ट जो है डी ई है तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर में कलेक्शन ऑफ एंटिटी आर नोट्स तो ये सारे जो एंटिटी है दीज आर द नोट्स ए जो है दैट इज ए रूट नोड ठीक है यह सबसे टॉप मोस्ट है दैट इज अ रूट नोड बी सी चिल्ड्रेन है किसका ए का डी ई चिल्ड्रन है बी का तो मतलब बी क्या पेरेंट है किसका डी और ई e का और ए पेरेंट है किसका बी और सी का और ए जो है डी का क्या है ग्रैंड पेरेंट है ठीक है जैसे हमारी जनरल लाइफ में आप देख सकते हो ग्रैंड फादर एक स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं ग्रैंड फादर स्ट्रक्चर देन देर इज फादर एंड अंकल उसके बाद सन डॉटर ठीक है ये एक हाइराजिकल स्ट्रक्चर है वैसे ही ट्री में जहां भी हाइरजिकल आपको फाइल सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है वहां आप ट्री यूज करते हैं तो अप्लीकेशन हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं एनी नोट डज नॉट हैव चाइल्ड इज नोन एज लीफ नोट तो फर्स्ट आपका क्या नोन होता है पेरेंट तो उसके नेक्स्ट लेवल उसका चिल्ड्रेन होता है तो कोई ऐसा नोट जिसके चाइल्ड ना हो तो वो नोट क्या हो सकते हैं सबसे लास्ट वाले जैसे डी का कोई चाइल्ड नहीं है ई e का कोई चाइल्ड नहीं है एफ का नहीं है जी का नहीं है एच का नहीं है तो दीज आर द लीफ नोड तो ऐसे ही ट्री में होता है जो सबसे लास्ट में होता है दैट इज नोन एज लीफ ए इज एंसेस्टर ऑफ बी एंड डी ए जो है बी और डी दोनों का एंसेस्टर है इवन ई e का भी एंसेस्टर ए है एफ जी के एंसेस्टर क्या है ए और सी एच आई का एंसेस्टर क्या है ए सी अगर मैं आपसे पूछूं कि एफ और आई में कौन से एंसे, एंसेस्टर कॉमन है तो आंसर क्या होगा एफ का एंसेस्टर क्या है ए सी आई का एंसेस्टर क्या है ए सी एच तो कॉमन क्या है ए और सी सी के लिए ये इन डायरेक्शन है और दिस इज आउट डायरेक्शन ठीक है डी एंड ई आर नोन एज सिबलिंग डी एंड ई e, जो ये हैं दीज आर दिबलिंग्स और ई e और एफ आपके क्या हैं कजन ई एंड एफ आर कजन तो ई एफ सिबलिंग नहीं है ये कजन है क्योंकि दिस इज आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं ग्रैंड फादर फादर अंकल अगर इनका कोई सन होता है तो आपका ये कजन होगा ठीक okay? है ट्री एग्जैक्टली यूज़ कहाँ होता है ट्री का अगर हम अप्लीकेशन देखें तो आपने अगर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप इंस्टॉल करते हो जैसे विंडोज आपने इंस्टॉल किया तो आपने उसका फाइल स्ट्रक्चर देखा होगा जैसे सी ड्राइव है सी के अंदर आपने कोई फोल्डर बना दिया ए और बी बी के अंदर कुछ फाइल बना दिया तो ये ट्री फॉर्मेट में डेटा स्टोर हो रहा है तो ऐसे ही फाइल सिस्टम लिनेक्स का अगर फाइल सिस्टम देखें तो रूट रूट के अंदर आपका स्लैश बिन है फोल्डर फिर स्लैश यूजर है ऐसे ही तो ये भी आपका हाईजिकल मॉडल है तो दैट इज ऑल्सो ट्री डेटा स्ट्रक्चर तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर में एक और एक स्पेशल एप्लीकेशन है दैट इज ट्राई ट्राई जो है एक स्पेशल डेटा ट्री डेटा स्ट्रक्चर है जो स्पेशली यूज किया जाता है किसके लिए डिक्शनरी के लिए दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ ट्री डेटा स्ट्रक्चर और नेटवर्क राउटिंग में भी आप ट्री डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं नेटवर्क राउटिंग में कैसे ट्री डेटा स्ट्रक्चर होगा केस कोई एक ए नोड है वो डेटा ट्रांसमिशट करना चाहता है बी और सी को ठीक है और इसके बीच कोई रूट है डी जिसके थ्रू ये डेटा ट्रांसफर करेगा तो ये हार एज है नेक्स्ट लेवल पे डेटा कैसे सेंड किया जाए सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ ट्री डेटा स्ट्रक्चर और ट्री डेटा स्ट्रक्चर आपका क्या है रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर है दिस इज रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर और ट्री को अगर आप देखें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो फर्स्ट नोड आपका क्या है ये एक डबल लिस्ट की तरह होता है जिसमें फर्स्ट आप डेटा रखते हो जैसे ए एक डेटा है ये लेफ्ट लेफ्ट का एड्रेस रखता है लेफ्ट ट्री का ठीक है या लेफ्ट चाइल्ड का और ये राइट का फिर ए से आप कनेक्टेड कर दोगे बी बी भी आपका डबल लिंक लिस्ट में रहेगा तो इस तरीके से आप ट्री डेटा स्ट्रक्चर स्टोर करते हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर में ये इसकी सारी टर्मिनोलॉजी है इसको हमने देखा अदर ट्री ऑल्सो बाइनरी ट्री जिसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे थैंक यू